अंजना, तुम आ गई बेटी। तुम एक कारण जन्मी हो। महाशक्ति स्वरूपा की दर्शन भाग्य पाना जिंदगी भर के लिए तपस्या के बाद भी असाध्य ही है। ऐसे में तुम्हें वो भाग्य मिला है, तुम्हें मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बेटी। बेटी, तुम्हें जो दैव कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है बेटी। चलो बेटी, चलो चलो, आओ आओ। चामुंडाई विचेस्वा। ओम रघुपुंगवाय नमः।
शरण त्राण तत्पराय नमः। ओम वाली प्रमदनाय नमः। ओम वाजमिने नमः। ओम सच्चवाचे नमः। ओम सच्चविक्रमाय नमः। ओम सच्चव्रताय नमः। ओम व्रतधराय नमः। ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः। ओम कौसलेयाय नमः। ओम करध्वंसिने नमः। ओम नालपरिचाराय नमः। ओम नीलपरिचारिणे नमः। ओम अरकोदंडकंडनाय नमः। ओम सप्तत्तालप्रवेत्रे नमः। ओम दशग्रीवशिरोहराय नमः। ओम जामदग्न महादर्पदलनाय नमः। ओम ताटकांतकाय नमः। ओम वेदांतसाराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम भवभोज्यस्य भेषजाय नमः। ओम दूषणद्विजिरोहणाय नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। गंभीराय नमः। ओम धीरोदात्त गुणोत्तमाय नमः। ओम माया मानुष चारित्राय नमः। दीदी पवन। हाँ दीदी। बेटी अंजना रुक जाओ बेटी। आओ ना दीदी, यहाँ आओ दीदी।
बेटी अंजना वहां मत जाओ बेटी, वापस आओ बेटी। वहां मत जाओ बेटी। उधर मत जाओ बेटी, वापस आ जाओ बेटी, वापस आ जाओ बेटी। बेटी अंजना रुक जाओ, रुक जाओ बेटी, वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारा भाई नहीं है बेटी। बेटी अंजना, अंजना बेटी उधर मत जाओ। बेटी अंजना, बेटी अंजना उधर मत जाओ बेटी, रुक जाओ बेटी, बेटी रुक जाओ, बेटी रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? उधर मत जाओ बेटी, वो तुम्हारा भाई नहीं है बेटी। आओ ना दीदी। वो दुष्ट मायावी है बेटी। इधर दीदी। बेटी वो दुष्ट शक्ति तुम्हारा भाई नहीं है। चलो बेटी चलो मेरे साथ चलो। अरे वो दुष्ट तनिक तुम महाशक्ति से डरो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। अरे वो दुष्ट चलो बेटी, चलो बेटी। पारगाय नमः, ओम पाराय नमः, ओम सर्वदेवात्मकाय नमः, ओम परमस्मै नमः। अंजना इस बार तो तुम मुझसे बच गई। जब मेरा उचित समय आएगा मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा।
अंजना, तुम इतनी जल्दी उठ गई? कहाँ से आ रही हो? जंगल से आ रही हूँ। वो बहुत बड़ा जंगल है, मैं वहीं से होकर आ रही हूँ माँ। जंगल से आ रही हो? हाँ। मगर तुम कहना क्या चाह रही हो बेटी? तुम जंगल कैसे गई? हाँ माँ, रात को मुझे हनुमान ले गया था जंगल। वो बहुत अच्छा है। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे हाथों पूजा भी करवाई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उस जंगल से लौट कर आ रही हो? हाँ। ये तो पागल हो गई है, पता नहीं क्यों इसे हर समय मंदिर, भगवान और पूजा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सच में पागल हो गई है ये। नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। अच्छा, मतलब तुम रातों रात 100 किलोमीटर दूर पड़ने वाली दंडका अरण्य से जाकर वापस भी आ गई। ये भला हुआ कैसे? कार से गई थी वहाँ पर या फिर हवाई जहाज से उड़ कर गई थी? नहीं, मैं पैदल गई थी। ओह, तो तुम पैदल चल कर गई थी? बाप रे बाप, ये तो मुझे पागल बना देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुमने कोई सपना देखा होगा। रात को तुम्हें कमरे में देखा तो तुम आराम से सो रही थी। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। बस भी करो। लंकेश, बच्चों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को, अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। चलो। ये सच कह रही है क्या? 100 किलोमीटर दूर दंडकारण्य से पैदल कैसे वापस आ सकता है कोई? पता नहीं। स्वामी, भगवान राम की मूर्ति, त्राहि माहम त्राहि माहम त्राहि माहम त्राहि माहम। Thank you.
सर्वत्र स्वामी का राज्य है। त्राहि माम, त्राहि माम। दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्ष माम, रक्ष माम, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्ष माम। आपकी सेवा में लीन होने वाले इस भक्त पर आपने करुणा दिखाई है क्या स्वामी? किरण कुल मंडन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रिय घन राम घोरताटकाघातक राम मारीचादिनिपातक राम कौशिक मख संरक्षक राम राम। भक्तों पर दया दिखाने वाले देव, इस आलय के गर्भ में आपकी सन्निधि को वापस लाने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए स्वामी। आपके सेवक रूप इस हनुमान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये क्षेत्र महिमा से भरा हुआ है, इसे फिर से देवीयमान होना चाहिए स्वामी। इस मंदिर में एक बार फिर से राम के नाम की जाप की ध्वनि होनी चाहिए स्वामी। सत्य सैवली की इच्छा पूरी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में जो भी दैव विद्रोह हुआ है, अंजना के पिता ने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया है। उनके बच्चे और पत्नी ने जो पुण्य कार्य किए हैं, वही कार्य उन्हें पापों से विमुक्त करेंगे। उसी कृपा के लिए अंजना से मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, उसे स्वीकार करिए स्वामी। आपको शांत करने की जिम्मेदारी आपके इस सेवक की ही है न स्वामी। मुझे शरण मांगते हुए आए उस परिवार को बचाने के लिए आप कृपा करें स्वामी। कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं सच में जंगल गई थी। वहां एक पुराना मंदिर है। हनुमान ही वहां लेकर गया था। किसी ने अनजाने में श्री राम की मूर्ति से हनुमान की मूर्ति को अलग कर दिया।
ये लो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो, देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे, मैं आता हूँ। उसी जगह एक महाभक्त ने अपनी जान भी खोई है। ये पाप आपकी पीढ़ियों को भारी पड़ेगा। वो पाप एक परिवार के लिए श्राप बनकर उसका पीछा कर रहा है। उस परिवार को उस श्राप से मुक्त करने के लिए मेरे हाथों से शांति यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहा है हनुमान। पता नहीं ये सारी बातें कैसे जानता है। कोई विश्वास करे या ना करे, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। हमारे स्वामी स्वयं तुम्हारे साथ है। वो पापी इंसान मैं हूँ बेटा, मैं हूँ। स्वामी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके साथ, पर आपने हमारे ऊपर अपनी करुणा दिखाई है। स्वामी, लक्ष्मी और अंजना तुम्हारे भक्त हैं स्वामी, उन दोनों को मेरे जीवन में आना मेरे पिछले जन्म का फल ही है। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम रमेश है और ये प्रभाकर है। आपसे एक जरूरी बात करनी है सर, आपका 2 मिनट मिल सकता है? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, जाओ बाद में आना। हमारी बात सुनिए सर, प्लीज। सर, प्लीज सर। मैंने कहा ना, यहां से चले जाओ। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? सर प्लीज, एक मूर्ति के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अद्भुत शक्तियां? हाँ सर, और ये हमारा खुद का अनुभव है सर। हाँ?
रवि उठ जाओ। रवि क्या हुआ तुम्हें? रवि क्या हुआ? रवि विज्ञान की मदद से सारी दुनिया पर राज किया जा सकता है और तुम जैसे जवान लोग इस तरह के अंधविश्वासों में अब तक फंसे हैं। सिली हो तुम लोग। देखिए सर, हमने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तुम लोगों ने जो देखा वो सच हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका ही गलत है। अब मतलब ये क्या चीज है? सेलफोन। देखो ये किसी तार से जुड़ा है नहीं, पर इससे हम हजारों किलोमीटर दूर की आवाज भी सुन सकते हैं। ऐसे बात कर सकते हैं जैसे सामने बैठा हो। जब तक इसकी खोज नहीं हुई ये किसी को भी मुमकिन नहीं लगता था। जब हम सच जान जाते हैं तो बस कहते हैं कि ये साइंस है, समझे? सही कहा आपने। हम महाभारत की कहानियां तो जानते ही होगे। उस समय जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो जानते हो संजय दिव्य दृष्टि से सब देखकर धृतराष्ट्र को बता रहा था, जबकि वो इतना दूर बैठा हुआ था। तो सोचो उस समय भी इस तरह की बातें करने में बिल्कुल सक्षम थे। पर अब देखो साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है। जैसे कि दूर किसी देश में एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो हम यहाँ टीवी पर बैठकर देख सकते हैं ना, बिल्कुल लाइव, है कि नहीं? बस ये भी साइंस है। हाँ, हमारा सोचने का तरीका शायद सही नहीं है, लेकिन उन मूर्तियों की अद्भुत शक्तियों के ऊपर आपके क्या विचार है सर? हाँ, मेरे हिसाब से उन्हें बुलाना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, पर उन्हें हैंडल करने आना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मान लो जब हम खाना बनाते हैं गर्म बर्तनों को हटाने के लिए कपड़े की मदद लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारा हाथ जलने से बचा रह सके। मेरी बात सुनो, उन मूर्तियों की शक्तियां जाने बगैर उससे छेड़छाड़ करके तुम लोगों ने जल्दबाजी कर दी और इसीलिए तुम्हारा वो दोस्त बेकार में मारा गया। मतलब आप भी मानते हैं कि उन मूर्तियों में शक्ति है? डेफिनेटली। ये जो पंच लौह मूर्तियां हैं ये बहुत ही पुराने जमाने की है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से इन मूर्तियों के अंदर शक्तियां जागृत हो गई होंगी, या फिर उनके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म हो गए होंगे। उस शक्ति के बारे में जाने बिना उसे छेड़ना जान भी ले सकती है। नाम क्या बताया था? रमेश और प्रभाकर। हाँ, रमेश प्रभाकर, ये मैटर इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा है और रिसर्च के लिए एकदम परफेक्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। अंधे, अरे ओ अंधे, ये सब मेरा भ्रम है। अरे ओ अंधे, इधर देख। कौन हो तुम? इधर देख। कौन हो तुम?
मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरुजी, गुरुजी आप किस रूप में आए? वो सब मैं तुझे समझाऊंगा। अपनी आराध्य देवता के लिए तुमने अपने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस त्याग से प्रसन्न होकर तुम्हें एक अपरूप वरदान प्रसादित करती हूँ। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त किसी भी रूप को आवाहन करने वाली काम रूप वरदान को तुम्हें प्रसादित कर रही हूँ। तो फिर अब आप क्या करने वाले हैं? अंजना को हासिल करने के प्रयत्न में चाहे हम उसे कितनी दूर भी ले जाएं, वो महाशक्ति हमारा पीछा करके हमारे कार्यों में रुकावट बन रही है। जब तक वो महाशक्ति उस घर में है तब तक मेरा लक्ष्य सफल नहीं होगा। सबसे पहले हमें उसे उस घर से दूर करना होगा और अंजना से भी उसे दूर करना होगा। उसकी शक्ति को उससे दूर करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। जय श्री राम। अंजना, हमें 18 दिनों तक बिना किसी निर्विघ्न के इस पूजा को करना होगा। आज के दिन उन पूजाओं का आधा हिस्सा खत्म हुआ है और अब और 9 दिन तक हमें इस पूजा को निर्विघ्न करना होगा, तब जाकर हमें उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है स्वामी, ये सब आपका आशीर्वाद ही है। नहीं, ये सब हमारे स्वामी का आशीर्वाद है। हरि वो ये कदा सुखमासीनम शंकरम लोक शंकरम पप्रच्छ पार्वती भक्त्या कर्पूर धवलम शुभम श्री पार्वत्युवाच भगवन् देव देवेश शंभो शंकर शाश्वत महादेव जगन्नाथ शिव विश्वार्तिहार संग्रामे ए, क्या कर रहा है ये? खाना खा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? बाप रे, उसके साथ घूमते घूमते ये भी पगला रहा है। हाँ। अंजना कहाँ है? दीदी अभी सो रही है। हाँ। आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सो रही है ये लड़की, इतनी देर से भी नींद नहीं खुली। ये तो ऐसे चैन से सो रही है जैसे रानी एलिजाबेथ हो। रुक, अभी दो थप्पड़ मारता हूँ फिर नींद खुलेगी तुम्हारी। हाँ? दरवाजे पे कोई आया है, उसे देखकर फिर तुझे देखता हूँ। पवन, दीदी थोड़ी देर पहले देखा तो आप सो रही थी, इतने में आप कहाँ चली गई?
अभी अभी तो मैंने इसे कमरे में सोते देखा था, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? को जो दारू पी थी ना अभी तक उतरी नहीं है। ची। पवन, दीदी कहाँ है? आ रही है। ये क्या है हनुमान? स्वामी रक्षा कवच। अंजना, तुम पर दुष्ट ग्रह की दृष्टि पड़ गई है। अगर कोई मुसीबत आई और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो ये कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। किसी भी परिस्थिति में इसे निकालना नहीं, ठीक है? दीदी, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, आती हूँ। मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ हनुमान। मेरा भी स्वामी की सेवा का समय हो गया है। ठीक है। जय श्री राम। तुम्हें और एक दिव्य शक्ति का वरदान देती हूँ। जब वो दिव्य शक्ति उस घर के अंदर नहीं होगी, तब तुम उस रक्षा रेखा को पार कर सकते हो। अतीत शक्तियों के संचार को ग्रहण करके तुम शक्तिशाली बन जाओगे और कार्य को पूर्ण करोगे। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय।